हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ ऑफ अलका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल पर्पल आई मेकअप लुक। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने क्रिएट किया है पर्पल आई मेकअप लुक, और ये मैंने डे को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लुक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है। मैंने पपाया का गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज़ किया है। मैंने रिसेंटली, अभी मुझे 2 वीक्स हो गए हैं उसको यूज़ करते हुए, काफ़ी पसंद आया मुझे। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया है। टोनर आप ज़रूर अप्लाई करा करें। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। जो भी आप डेली बेसिस अपना अप्लाई करते हैं वो यूज़ करें। तो आज के इस मेकअप लुक में मैंने अपना बेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। मतलब मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी। तो मैंने पहले क्या किया, पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर ली, क्योंकि इससे भी मेरा स्किन पे थोड़ी ब्राइटनेस आ जाएगी और स्किन इवन टोन हो जाएगी और थोड़ा सा पिंकिश टोन आ जाएगा। उसके बाद मैंने गार्नियर का ये बीबी क्रीम अप्लाई करा है और आज फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपना चैनल पे अपलोड किया हुआ है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे क्रीम, डे के सबसे अच्छी। यदि आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं बीबी के साथ। तो आप वो वीडियो एक बार चेक कर ले यदि आपको बाय करनी है क्रीम। तो उसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। जहाँ पर भी आपको अपने फेस पर थोड़ा लगे वहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई करें, जैसे लिप्स के दोनों तरफ, अंडर आई एरिया पर और आई लिड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जैकलिन हिल की ड्यूप पैलेट यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी है, पिगमेंटेड पैलेट है। इसका भी मेरे चैनल पे अलग से सेपरेट वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, तो वह आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर पिक किया है और उसे अपनी क्रीज लाइन के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब मैंने दोनों आईज पे पहले ब्राउन कलर प्लेस कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप में सबसे अच्छा है कि आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे वो उतना अच्छा लगता है आई मेकअप, वरना फिर ऐसे लाइंस देखने लग जाती है। तो आप ब्लेंडिंग पे ज़रा पूरा ध्यान दिया करें। उसके बाद मैंने ये पर्पल कलर पिक कर रही हूँ और इसे अपने आई लिड के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। और ये डार्क पर्पल नहीं है, लाइट पर्पल है और थोड़ा शिमरी शेड है। इस कलर का पिगमेंटेशन अच्छा था तो मैंने डायरेक्ट ब्रश से लेके अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करी थी, पर यदि आपको प्रॉपर और अच्छा पिगमेंटेशन चाहिए होता है तो आप ब्रश के ऊपर पहले सेटिंग स्प्रे कर लें और उसके बाद वो कलर पिक करके अपनी आईज पे प्लेस करें, तो आपको और ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन मिलेगी। उसके बाद हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, तो आप ब्लेंडिंग पर बिल्कुल ध्यान दें। तब ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करा है कि मैंने सिर्फ लाइट ही रहने दिया इसे, क्योंकि मेरा दिन के हिसाब से मैं मेकअप कर रही थी कि कोई डे फंक्शन यदि अटेंड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने आई के कॉर्नर्स में यहाँ पे ब्लू कलर जो होता है अपना, थोड़ा डार्क ब्लू, वो कलर प्लेस कर रही हूँ आउटर वी जो अपना रहता है आईज का, और अच्छे से अपन को ब्लेंडिंग करनी है। के बाद मैंने वही सेम ब्लू कलर्स को अपने अंडर आई के नीचे लगाया, और मैंने पूरा अंडर आई के नहीं लगाया, सिर्फ हाफ हाफ में लगाया है। आप ये देख सकते हैं, अभी मैं दिखाई रही हूँ। उसके बाद मैंने शिमरी सा कलर लेके, हाइलाइटर कलर लेके अपने इनर आई कॉर्नर्स पे लगा दिया है। ये वाला स्टेप आप ज़रूर करा करें इनर आई के कॉर्नर पर ये प्लेस करने का हाइलाइटर कलर, तो किससे थोड़ा आँखें और अच्छी लगती हैं आई मेकअप। अब मैं लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये आईलाइनर मुझे काफ़ी पसंद आया। एज अ बिगनर मुझसे पहले अच्छे से आईलाइनर अप्लाई नहीं होता था, पर ये वाला आईलाइनर से मेरा थोड़ा हाथ बैठने लगा है। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का शेड नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, इसका मैजेंटा कलर अप्लाई कर रही हूँ लिप्स पे। और यहाँ पे मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर ली थी। यहाँ मैं मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, और सेम लिपस्टिक वाले ही लिपस्टिक जो मैंने अभी अपने लिप्स पे अप्लाई करी थी उसी से मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का हाइपल कर मस्कारा। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, बजट में है, 350 का है कुछ है ये, और इससे सच में आप अप्लाई करके देखना, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो
तो मुझे मस्कारा काफ़ी पसंद है। अब है लास्ट स्टेप, पर सबसे ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई लोग इसे करते नहीं है, तो आप ज़रूर अप्लाई किया करें सेटिंग स्प्रे। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। और देखिए, इसको अप्लाई करते ही थोड़ा सा फेस पे शाइन भी आ गई है। इससे आपका मेकअप तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही, और साथ में थोड़ा सा एंड में देखिए थोड़ा सा शाइन आ गई है, ग्लो सा आ गया है। और आप इससे बाद में ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप एक बार अपने फेस पे अप्लाई कर ले ब्यूटी ब्लेंडर को चारों तरफ, ताकि थोड़ा भी एक्स्ट्रा मेकअप है तो वो रिमूव हो जाएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।